अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वीलॉग विदाशा फैसल में आपको वेलकम। ओके जी, तो आज का जो मेरा मेरी वीडियो है वो भी दुआ पे ही है कि मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि मैंने दुआओं का सेशन स्टार्ट करना है। वीलॉग्स बनाऊंगी, वीडियोस बनाऊंगी जिसमें मैं अहम जो दुआएं हमारी ज़िंदगी के मुख्तलिफ कामों से रिलेटेड हैं वो मैं आप लोगों को बताऊँगी कौन कौन सी हैं, और उसको आप लोगों ने अपने उन कामों के साथ शामिल भी करना है, उन्हें याद भी करना है और पढ़ना भी है। तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हम इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर होते चले जा रहे हैं और हमें इनको अपने माइंड में रखना चाहिए, ये याद करना चाहिए, अपने बच्चों को भी याद करना चाहिए। और हर कोई भी काम शुरू करने से पहले जो जो दुआ है वो उस हिसाब से पढ़ने स्टार्ट करती हूँ। आज की जो फर्स्ट दुआ है हमारी वो है दुआ ऑन वेकिंग अप। ठीक है, कि जब आप सोकर उठते हैं तो फिर कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए, वो है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमाताना वा इलैहिन्नुशूर। तो इसका तर्जमा क्या है, ऑल प्रेज बी टू अल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं, हु हैज़ गिवन अस लाइफ आफ्टर टेकिंग इट अवे, यानी कि अब उसने एक हमें एक नई जिंदगी बख्शी। ठीक होगा, एंड वी हैव टू गो बैक टू हिम, और हमें उसी की तरफ वापस लौट के जाना है। तो ये है सोकर उठने की दुआ, तो आपने याद करनी है, उसका तर्जमा भी याद करना है। तो अगली जो दुआ है वो क्या है, कि जब आप वॉशरूम में एंटर होते हैं, सो के आप उठते हैं, उसके बाद आप वॉशरूम जाते हैं, तो वॉशरूम में भी जब आप जाते हैं उसकी भी दुआ है। तो उसकी दुआ ये है अल्लाहुम्मा इन्नी, उसकी दुआ क्या है, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ुबिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। तो इसका उर्दू में तर्जुमा क्या है, ओ अल्लाह आई सीक प्रोटेक्शन इन यू फ्राम अनक्लीन जीन्स मेल एंड फीमेल। और इसको हम, ये हम मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, उर्दू में इसका क्या तर्जमा है, ए अल्लाह मैं तुझसे पनाह चाहता हूँ हर किस्म के नापाक मर्द औरत जिन से, ठीक है, जिनों से या जिनियों से। तो अगली जो है वो कौन सी दुआ है, वो है जब आप वॉशरूम से बाहर निकलते हो तब कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए, तो वो दुआ है गुफरानका। और इसका, इसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में क्या है, आई आस्क यू अल्लाह फॉर फॉरगिवनेस। तो इसका उर्दू में तर्जमा बनेगा, ए अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी चाहता हूँ या मैं माफ़ी का सवाल करता हूँ। ठीक है, तो ओके जी, ये थी मेरी आज की वीडियो, और उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। तो ये बहुत अहम चीज़ें हैं जो दुआएं हैं, इनको हमें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए, अपने बच्चों को भी याद करवाना। इन सब कामों को शुरू करने से पहले अगर हम ये दुआएं पढ़ें तो हम हर किस्म के शैतानी शर से महफूज रहते हैं, हमारे कामों में बरकत भी होती है और अल्लाह ताला भी खुश होता है और हमें सवाब भी मिलता है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़।